सचा जी, चित्र नवरात्र इस साल का जो चित्र नवरात्र है वो कब से शुरू होने जा रहा है और माता दुर्गा किस पे सवार होके आ रही है और वो क्या संकेत दे रही है माता दुर्गा इस बार? हर हर महादेव। जय बाबा बैद्यनाथ। विक्रम संवत 2081 प्रारंभ होने वाला है और 2081 संवत प्रारंभ होने के साथ ही नवरात्रा प्रारंभ होता है, भगवती की पूजा प्रारंभ हो जाती है, जिसे हम वासंतिक नवरात्र कहते हैं, बसंत ऋतु का नवरात्रा। तो इस वर्ष अप्रैल महीने में 9 अप्रैल मंगलवार से नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना उसी समय प्रारंभ होगी। तो दुर्गा जी का प्रतिपदा के हिसाब से घोड़ा पर आगमन हो रहा है, लेकिन विशेष रूप से इसका दो शास्त्रों का विधान है, सप्तमी से भी होता है और प्रतिपदा से ही, लेकिन विशेष रूप से जो है प्रतिपदा के दिन जो कलश स्थापन होता है उस हिसाब से मंगलवार पड़ रहा है। तो छत्र शनि भौम तुरंग में और ऐसा प्रमाण होता है कि घोड़ा पर दुर्गा जी आ रही हैं, जो कि अच्छा फल हमारे देश के लिए अच्छा वह नहीं होता है, क्योंकि घोड़ा जो है वह छत्र भंग तुरंग में ऐसा कहा जाता है, सत्ता परिवर्तन यानी नई सरकार का संकेत मिल रहे हैं, नया सरकार का गठन होगा, नया सरकार बनेगा और इसी के साथ ही मंगलवार से प्रतिपदा के साथ नवरात्रा प्रारंभ होगा। उस दिन कलश स्थापन दो मुहूर्त इसमें बताया गया है, एक सुबह 6:21 से 10:35 तक कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त है और दूसरा जो अभिजित मुहूर्त होता है वह 11:57 से 12:48 के बीच का जो समय होता है उसे अभिजित मुहूर्त कहते हैं और अभिजित मुहूर्त में ही कलश स्थापन करना चाहिए और माता दुर्गा की पूजा अर्चना प्रारंभ करना चाहिए।